Hello guys, I am Shahzad Ahmed from shikzi.com and welcome election number 43. आज हम जो है वो देखेंगे कि क्या चीज रिक्वायर्ड है जो है वो डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले. लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कैसे index.php को रिमूव किया अपने URL से यूजिंग .htaccess फाइल और config फाइल के अंदर कुछ हमने सेटिंग्स की थी. बहरहाल मेक श्योर मैं XAMPP इंस्टॉल है मेरे पास. पहली बात यह है XAMPP का वर्जन 3.2.2. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास MySQL स्टार्ट है. जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे तब आपका MySQL स्टार्ट होना चाहिए. मेक श्योर MySQL जो है वो डेटाबेस है जो बिल्ट इन जो है वो XAMPP के अंदर आता है. अगर आप XAMPP के यूजर हैं या LAMP के यूजर हैं या व्हाटएवर जिसके भी यूजर हैं तो मींस आपके पास सर्वर कोई भी है तो हम MySQL का डेटाबेस यूज करेंगे. ठीक है, दूसरी बात यह है कि लोकल होस्ट, मेक श्योर मेरे पास लोकल होस्ट 8090 ये प्रीफिक्स है और मैंने अपना सर्वर जो है वो किसी वजह से जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है. अगर आप लोकल होस्ट इस तरीके से लिखते हैं तब भी वो आपकी सर्वर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होगी. मेरे पास मोर देन 2 या 3 जो है वो सर्वर चल रहे होते हैं. मैं लारावेल पे भी काम करता हूँ एंड थोड़ा सा जो है वो जावा पे भी मैं काम करता हूँ. सो दैट्स व्हाई सबके सर्वर्स अलग अलग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं चीज़ें. दैट्स व्हाई मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है. बहरहाल हम होम पे आते हैं. होम कंट्रोलर्स हमारा मेक श्योर होम नहीं पहले कोडिंग नाइटर जहाँ पे हमारा पूरा सेटअप रखा हुआ है. ठीक है, अब हम होम का कंट्रोलर देंगे. तो होम के कंट्रोलर के अंदर कुछ मिसिंग है, बहरहाल घबराने की कोई बात नहीं. तो ये होम का कंट्रोलर होम यहाँ पे मिसिंग है कुछ चीज, यहाँ पे मिसिंग है कोई चीज. स्टार्ट हुआ और ये एस लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, वापस रिफ्रेश. तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास होम का कंट्रोलर प्रॉपर जो है वो चल रहा है, रन हो रहा है. ठीक है, मेक श्योर मैं ऐसा करता हूँ कि होम के कंट्रोलर पे इंडेक्स का फंक्शन कहाँ है. फंक्शन इंडेक्स, इसे मैं कॉपी करता हूँ, सबसे टॉप पे ले जाता हूँ ये इंडेक्स का फंक्शन और मेक श्योर मैं इसे भी यहां से हटा देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ एनदर फंक्शन. फंक्शन एनदर फंक्शन और ये सारा सेटअप मैं यहां पर रखता हूँ ताकि आपको बाद में मिल जाए. और इसे मैं क्या देता हूँ, एको. वर्किंग ओके, होम का कंट्रोलर आपका जो है वो एनदर फंक्शन, एनदर फंक्शन एक्स. तो बहरहाल वर्किंग हो रहा है एंड मैं अब जो है पीएचपी माई एडमिन ओपन करता हूँ. लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन बैड बॉय. तो हमारे पास जो है वो चीजें सेट हुई. पहली बात होम हमने बिल्कुल सेट कर लिया. दूसरी बात ये है कि MySQL का डेटाबेस हम यूज करेंगे. तीसरी बात ये है कि पीएचपी माई एडमिन का टूल हम यूज करेंगे एंड जो फोर्थ थिंग या चौथी बात हम कह लें कि वो एक टूल है जिसे SQL योग कहते हैं. डेटाबेस की जब बात आती है तो SQL योग को भी हम यूज करेंगे. तो कोई बात नहीं, SQL योग चाहे आप डाउनलोड करें चाहे ना करें. बहरहाल फिलहाल के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए. हम ऐसा करते हैं कोडिंग नेटर के नाम से एक जो है वो डेटाबेस बना लेते हैं. मैं कहता हूं शेखजी. ठीक है, कोडिंग नेटर. मेक श्योर शेखजी कोडिंग नेटर के साथ हम शेखजी कोडिंग नेटर के लिए हम शेखजी कोडिंग नेटर के नाम से हम एक डेटाबेस बना रहे हैं. क्लिक, डेटाबेस आपका बना. तो ये देखिए डेटाबेस शेखजी कोडिंग नेटर. ओके, ये शेखजी कोडिंग नेटर.
शेक्जी कोडिंग नाइटर, डेटाबेस एम्प्टी है हमारा। उसके बाद में जो फाइल्स हमारे पास रखी हुई हैं वो डेटाबेस की कहाँ होती हैं, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर डेटाबेस के नाम से फाइल्स होती हैं। तो इस फाइल के साथ हम देखेंगे कैसे इंटरेक्शन करते हैं, बट फिलहाल के लिए हमें डेटाबेस चाहिए था जो हमने बना लिया। आने वाले लेक्चर्स में हम जो है वो डेटाबेस को जो है वो कॉन्फिगर करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे जो है वो डेटाबेसिस को हम यूज़ करेंगे अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप वाकई हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं थम्स अप, हमें सब्सक्राइब करवाएं हमारे ऑफिशियल चैनल पे एंड हमें ज्वाइन करें हमारे सोशल नेटवर्क्स पे ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर